अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि इसकी दो तीन डेफिनेशन है। पहले नंबर पर डेफिनेशन क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन एक्सेलरेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। दूसरी जो आसान हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू दी क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़े हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो कोई ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो वेरी नहीं करता, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट ही होता है। अब हमारे पास आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम इसे कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एग्जर्ट ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल में देखें मेरे पास क्या है, गैस मालिक्यूल। अगर गैस मालिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर क्या हो, इनक्लोज हो, तो बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही होती, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या है, बिलियर्ड बॉल वाली एग्जाम्पल है, वो बॉल आपस में खुद बहुत टकराते रहते हैं। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसको इग्नोर कर दिया जाए, इसी तरह का हमारे पास एक एक सिस्टम है, लेट अस कंसिडर इन विच वी हैव टू मासेस, एक M1 एंड M2, ठीक है, आर स्मूथ बॉल्स, ठीक है। पहले पहले बॉल की वेलोसिटी क्या है, V1, एंड सेकेंड बॉल हैज़ वेलोसिटी V2, ठीक है, मूव कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, टकरा आ जाते हैं। टकराने के बाद जब टकराते हैं तो ये इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है वो F, और जो ये M1 इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो F- हो जाती है। टकराने के बाद ये फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्टॉप नहीं होते, और आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V1- और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V2-। इसका मास M1 और इसका मास क्या है, M2। ये जो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, और इसके रिएक्शन में ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, आज हम ये दोनों फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। दोनों फोर्सेस के फाइंड आउट होते ही हम लोग हम अपने फाइनल रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है हम उसकी तरफ आ जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, फोर्स एग्जर्ट ऑन M1, ठीक है, M1 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हुई है, जारी बात है जिसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हुई हो उसका ही मोमेंटम क्या होता है, चेंज हो, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ओवर क्या आ जाएगा, टाइम। अब किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, M1 के ऊपर। अब यहां से देखिए M1 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो F है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होती है, जाहिर बात है इसका मोमेंटम चेंज होगा। चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आपके पास आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, चेंज इन मोमेंटम। अब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, M1 V1- माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 V1 ओवर टाइम क्या आ जाएगा, टी, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, F इंटू क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 V1- माइनस M1 V1। अच्छा जी, इसी तरह ये रिएक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट ऑन M2, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, F- इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, M2 V1
वी टू डैश सिमिलर वही केस बनेगा, माइनस एम टू वी टू फाइनल ओवर इनिशियल ओवर टाइम, और ये मेरे पास क्या देगा एफ डैश इंटू टी इज इक्वल टू क्या देगा एम टू वी टू डैश, और मेरे पास क्या देगा एम टू वी टू। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह लें, वन, इसको क्या कह लें टू, ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करेंगे तो एफ इंटू टी प्लस एफ डैश इंटू टी इज इक्वल टू क्या देगा, पहले इसको इसके जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं, एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू और वी टू। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा एफ इंटू एफ डैश, टी कॉमन ले लिया और यही सारा फैक्टर आगे मेरे पास आ गया, एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू और वी टू। अब हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, और इनका प्रोड एडिशन जैसे लूँगा तो एफ वन प्लस एफ डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के आ जाएगा। जैसे ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास ये वाली चीज़ सारी ज़ीरो, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया ज़ीरो, और इधर मेरे पास क्या आ गया एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू और वी टू। बिफोर कोलिजन वाले एक तरफ ले आए, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन वाले एक तरफ ले गए, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा एम वन वी वन प्लस इधर आके एम टू वी टू, ये भी प्लस इधर आके, और ये क्या आ जाएगा एम वन वी वन डैश प्लस एम टू और वी टू डैश। ये मेरे पास क्या है, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। शुरू में मैंने कहा था कि हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि मोमेंटम जो होता है कि सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के क्या होता है इक्वल होता है। कब तक इक्वल होता है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एग्जर्ट ना करें। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। फीडबैक के लिए नीचे कमेंट करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा फिजिक्स बाय अली रज़ा। शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। ओके, अल्लाह हाफिज़।